गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. आपकी जो पिछली क्लास मैंने ली थी उसमें पहला लेसन आपका था द सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? मैंने बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह जिसका एक सार्थक मीनिंग निकलता है उसी को हम वाक्य कहते हैं. ठीक है, अब आज आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं. हमने जान लिया सेंटेंस क्या है, अब हम आगे देखेंगे कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं. लेट्स स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स इन सेंटेंस. सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, नंबर वन सब्जेक्ट एंड नंबर टू प्रेडिकेट. आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कैसे पहचानेंगे. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर हमको नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर नॉलेज हो तो नाउन नेम ऑफ द पर्सन, जिन जिन चीज़ों का नाम होता है, एवरीथिंग ओवरऑल नेमिंग वर्ड्स कॉल्ड नाउन. किसी भी सेंटेंस में नाउन को जब हम डिनोट करते हैं या संज्ञा की जगह पे जो शब्द यूज़ होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो इस संज्ञा और सर्वनाम किसी भी सेंटेंस में आते हैं. तो सबसे पहला जो होता है हम ये जान लें कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है. सबसे पहले संज्ञा अगर जान लें तो किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और नाम के अलावा जिन चीज़ों को हम संज्ञा की जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे मैं, तुम, वे, वह, उनको, इनका, इसका, उसका, एट्सेट्रा, सारे वर्ड्स, तो जो नाउन की जगह पे आते हैं वर्ड्स उनको हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं. ओके, अब आती है बारी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचाने कैसे, क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है. तो किसी भी सेंटेंस में पहले सेंटेंस से हमको खुद से क्वेश्चन करना होगा, क्या, किसको, किसे. जब इन सारे वर्ड्स को जब हम अपने आप से सर्च करेंगे तो अपने आप हमको नाउन और प्रोनाउन मिल जाएगा. आइए थोड़ा सा देखते हैं. जैसे द क्लॉक इज एट द वॉल, घड़ी दीवाल पर है. ठीक है, कौन दीवाल पर है, क्वेश्चन आया ना, कौन दीवाल पर है, तो हमको आंसर मिला द क्लॉक, घड़ी. घड़ी क्या है, नाउन. तो यानी ये क्या हुआ, जो पार्ट क्वेश्चन जब हम की करते हैं सेंटेंस में कि ये क्या है, कौन टंगा हुआ है, आंसर मिला घड़ी टंगी हुई है. तो ये घड़ी संज्ञा है और यही संज्ञा सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं ये प्रेडिकेट में चले जाते हैं. क्लियर. सेकंड एग्जांपल, अजय इज इन द बोट. अजय कहाँ पर है, क्वेश्चन हुआ ना, अजय कहाँ पर है, बोट में है. तो कौन बोट में है, कौन बोट में बैठा है, तो क्वेश्चन का आंसर हमको मिला अजय. यानी अजय कोई बच्चा है, कोई लड़का है जिसका नाम अजय है, तो नाम ही तो संज्ञा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ. तो दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो संज्ञा और सर्वनाम जब हम सर्च कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये वाला पार्ट संज्ञा या सर्वनाम जो है वो सब्जेक्ट में आता है, और जो बच जाते हैं अदर वर्ड्स जितने भी होते हैं वो प्रेडिकेट में चले जाते हैं. आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पहचानने में आसानी होगी, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझा होगा तो बार बार रिपीट करके इसको ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए. कुछ भी टफ नहीं है. आज के लिए बस इतना ही. अगली क्लास में फिर मिलूंगी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.